अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सबा स्टिचिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तीन मेथड बताऊंगी, इजी मेथड, जिसे आप बुकरम चिपका सकते हैं गले की। तो उसके लिए आपने जितना भी आपका गला हो उसके आपने चौड़ाई का मार्क करना है। मैंने 7 इंच तैयार करना है तो मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया। तो लंबाई इसकी मैंने 6 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वेयर ड्रॉ कर लूँगी और इसके बीच में मैंने नेक ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप 1.5 2 2 भी रख सकते हैं, ये गोल नेक में ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप इस तरह आप अगर चकोरखाना बना लेते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक बनाने का सबसे आसान मेथड यही होता है कि आप पहले चकोरखाना बनाएं और उसके बीच में कोई भी शेप ड्रॉ करें। इस तरह आप प्रैक्टिस किया करें, आपको गले बनाने आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं गोल बना रही हूँ, तो ये मैंने 1.5 इंच पे गुलाई इसकी की है। तो उसके बाद आपने ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करना है। ये फर्स्ट 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 मेथड है। तो उसके लिए ऊपर से 1/2 इंच रख के आपने इस तरह से काटना है इसको, और आगे से मार्किंग के ऊपर ऊपर आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। मैं सेकंड वाला जो मेथड है मैं वो वाला तरीका यूज़ करती हूँ। नेक बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको तीन मेथड बता रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा नेक बन गया। तो ये देखिए 7 इंच ही है। इस तरह अगर आप लगाएंगी, सबसे इजी मेथड है, इस तरह आप लगाएंगी तो आपका टेढ़ा भी नहीं होगा और कम ज़्यादा भी नहीं होगा, परफेक्ट जितना आपने कटिंग किया उतना ही रहेगा। फिर आप इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें इस तरह से, तो जितना आपका है उतना ही रहेगा। बाज़ का तो ये होता है टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद ये देखिए 1/2 इंच कपड़ा साथ छोड़ के इसकी कटिंग कर लें और इसको डबल करके इसकी सेंटर की क्रीज बिठा लें। बुकरम को बिल्कुल बराबर डबल करें। उसके बाद ये देखिए शर्ट का फ्रंट जो साइड है उसकी, उसको डबल करके उसकी भी सेंटर की क्रीज बना लें। उसके बाद आपने सेंटर की क्रीज के ऊपर आपने सेंटर की क्रीज रखनी है। पहले साइड की सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद ये देखिए पूरी ऊपर तक आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आप कपड़ा जो लें उसको सेंटर की इस तरह से क्रीज बना लें। उसके बाद आपका जितना गला रेडी है, 7 इंच रेडी है आपका, तो आपने 3.5 इंच सेंटर में रखने के बाद इधर निशान लगाना है, एक साइड निशान साथ पे लगाना है। तो ये टोटल 7 इंच का आपकी मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद गले का जो सेंटर है वो आपने क्रीज के ऊपर रखना है और एक साइड इधर जो मार्किंग की है उसके दोनों साइड से आपने बुकरम चिपका देनी है मार्किंग के साथ साथ। मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे ये होता है कि गला, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका गला टेढ़ा भी हो सकता है। ऊपर से तो वो बराबर रहेगा लेकिन नीचे से उसकी शेप बिगड़ जाएगी। इस तरह से आप या फिर सिलाई लगा लें, तो ये नहीं सिलाई लगाना चाहते, टाइम की बचत करनी है, तो इस तरह से आप गम लगा के ऊपर से प्रेस कर लें तो ये आपका चिपक जाएगा, आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइड पे। इसके बाद इसकी भी इसी तरह से, इसका भी सेम वही मेथड है कि सेंटर की क्रीज बना लें इसकी, और शर्ट की भी सेंटर की क्रीज बना लें। और क्रीज के ऊपर क्रीज रखने के बाद आप चाहें तो पिन अप कर लें इसको सारे गले को, तो चाहें तो ऐसे ही सिलाई लगा, सेंटर की सिलाई लगाएं क्रीज के ऊपर, फिर साइड से सिलाई लगा के गला अटैच कर लें। उसके बाद ये थर्ड मेथड है, उसका ये है कि जो गले के बीच में से पीस निकलता है उसको चिपकाएं पहले कपड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर चिपकाने के बाद आपने जो गला कटिंग किया हुआ है बुकरम का उसको बिल्कुल इसके साथ जोड़ के आप चिपका लें। ऐसा ही देखिए बिल्कुल साथ रख के इसको चिपका दें स्त्री के साथ। उसके बाद आपने ये सेंटर से ये जो बुकरम का पीस है आपने इसको रिमूव कर देना जब ये गला चिपक जाए आपका। तो ये देखिए सेंटर से इसको रिमूव करके
इसकी भी सेम उसी तरह हम सेंटर की क्रीज बना लें। पहले हाफ इंच कटिंग कर लें साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के, उसके बाद इसको डबल करके सेंटर की क्रीज बना लें, ऊपर से भी एक्स्ट्रा काट दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।